देख रहे हो कितनी बड़ी मछली फंसाई। अब शेर के मुंह लग गया खून। मम्मी बोलेंगी देखने के बाद, हाँ बेटा घर पे आ जाए एक बार लौट के, फिर भेजूंगी तुझे दोबारा, आ तो जाए एक बार लौट के। तो जी फाइनली अराउंड 20 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोगों को मिल गया रोड हाईवे। तो रुको जरा। अरे यार बोलते डाइवर्जन दे दिया, गजब बेइज्जती है यार। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अभी निकल रहे हम लोग फाइनली कन्याकुमारी से भी, जो हमारी ट्रिप का एंड पॉइंट तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जो फाइनल रीचिंग पॉइंट जो था वो था कन्याकुमारी। उसके बाद अब रिटर्न शुरू हो गया हम लोगों का, लेकिन रिटर्न भी हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ से आए वहीं से सीधे निकल जाए, वो भी हम घूमते हुए जाएंगे। कहाँ से? अभी जा रहे हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम से मे भी शायद एक और बहुत प्यारी जगह वहाँ का हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक्चुअली जाएंगे भी, तो आपको दिखाऊंगा ब्लॉग्स में, देखने के लिए मिलेगा आपको। वेट कीजिए और वीडियोस को करिएगा लाइक, और मेरे को कमेंट में बताना आपको कौन सा वीडियो और किस लिए अच्छा लग रहा है। अब निकल रहे हैं यहाँ से, अभी जाना है आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कहाँ जाना है, रामेश्वरम। और रामेश्वरम है अराउंड 322 किलोमीटर्स, जहाँ पे हमें हमारा होटल वहाँ से रामेश्वरम है। तो अभी अराउंड 4-5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे मैप पे यहाँ पे, और टाइम दिखा रहा है अराउंड 6 hours 10 minutes, और अभी 10 बज रहे हैं, मतलब हम गए करीब करीब 4:30, तो पहुँचने में हमको लग जाएंगे 5:30, क्योंकि बीच में हम लोग जो ब्रेक्स लेते हैं ना वो गूगल मैप को नहीं पता ना। तो जी फाइनली अराउंड 20 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोगों को मिल गया रोड हाईवे। रुको जरा। अरे यार बोलते डाइवर्जन दे दिया, गजब बेइज्जती है यार। अभी अपने को फिर से इधर ही दिखा रहा है सर। तो आज का जो मौसम है ना, मैं हाँ मौसम की खबर देना तो भूल ही गया। आप लोग आए मौसम की खबर ना दूं मैं, तो आज का तापमान है बहुत अच्छा। कितने डिग्री सेल्सियस है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं हूँ बाइक पे, उसके लिए मेरे को रुकना पड़ेगा, लेकिन मौसम में बहुत अच्छा है। सुबह से ही हो रहा है बादल, हमको आज करना था थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर, और पता नहीं था रोड इतना अच्छा मिल जाएगा और रोड के साथ में वेदर इतना अच्छा मिल जाएगा भाई, तो दोनों ही काम आज अच्छे हो गए। तो क्योंकि हम बंदे अच्छे हैं तो शगुन अच्छे अच्छे होते हैं हमारे साथ, हम बंदे अच्छे हैं, आप भी बंदे अच्छे हो तो लाइक कर दो। आगे विंडो व्हील्स भी आ रहे हैं। तो हम लोगों ने भी एक ब्रेक लिया था पंप के पास, पेट्रोल पंप पे, और यू कैंट इवन इमेजिन हम किससे मिले अभी, एक्स एमपी ऑफ तुरुना वैली, जो 2 साल पहले तक थे, और उन्होंने उनको अंदर कॉल किया, लाइक वी आर नॉट अवेयर कि वो एमपी हैं। एक छोटा सा गेट टुगेदर, इट्स नॉट एन इंटरव्यू, और वो आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा सर के चैनल पे। ये सर से मिलने के बाद मेरा राइड सफल भाई। यस ग्रेट। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे और मिलते हैं आपको फिर से रोड पे, वही अपने कॉन्टेंट के साथ मोटो व्लॉग पे। और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो कि आप लोगों के आगे बहुत काम आने वाली है, ट्रस्ट मी। देखिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ जहाँ हमको जाना है ये। तो इसके लिए यहाँ से थे अभी अराउंड 3 रास्ते, और जो सबसे लंबा रास्ता है ना हम लोग जा रहे हैं उससे, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न समझाता हूँ, दिखाता नहीं हूँ एक्चुअली, समझाता हूँ ठीक है। तो मैं आप लोग को ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखो ये जो है ना ये रास्ते 3 है यहाँ से जाने के लिए जहाँ पे मैं हूँ। अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ जो मेरे को अभी दिख रहा है, तो इस पर मेरे को पड़ेगा अराउंड 178 किलोमीटर्स ठीक है। और अगर इससे जाता हूँ मैं जो कि सबसे लंबा है, तो ये अराउंड 195 किलोमीटर्स, लेकिन इसमें मेरे को टाइम में देखो आप कितना फ़र्क आ रहा है, ये 195 किलोमीटर्स है जो कि 2 घंटे 29 मिनट में है, और ये 178 किलोमीटर्स है, अराउंड करीब करीब 20 किलोमीटर का, अराउंड 18-20 किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 मिनट का फ़र्क आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हाईवे है और ये कितनी जल्दी हमको पहुँचाने वाला है, समझ रहे हो। तो इस तरह के रास्ते अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए तो है ही अच्छा, अब हम भी सीख गए चलते चलते, पहले हम लोग थोड़ी गड़बड़ कर दे रहे थे, तो अब आगे से नहीं करेंगे आई होप। ये देखो इनको बाइक यहाँ खड़ी थी, सीधे सीधे बैग ले सकते थे, लेकिन नहीं, इनको अलग खुजली है, आगे घुमा के 4 बार बैग करके वहाँ से निकालेंगे। पर ठीक है, कुछ करते रहते हैं ना तभी मन लगता है, मैं भी देखो अभी से निकाल रहा हूँ सीधे नीली, तो ऐसे कुछ अलग अलग करते रहो, रास्ते में बोर नहीं हो गए, आपको याद रहेंगी ये चीज़ें, यही तो पल हैं जो याद आएंगे।
वेलकम बैक ऑन द रोड। अब तक चल रहे थे हम लोग हाईवे पे, और हाईवे ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा था, क्योंकि सीधे सीधे रोड बस चलाए जा रहे हो भगाए जा रहे हो गाड़ी को, तो ना बहुत बोरिंग सा हो गया था, और नींद से भी लग रही थी थोड़ी। बट अभी क्या हुआ ना, अभी हमने एक लिया टर्न, मतलब मैप नहीं बताया अपने को, तो टर्न लेते हम लोग थोड़ा सा एंट्रो के ट्रैफिक वाले एरिया में, और ये हाईवे नहीं है, तो नींद भाग गई, क्योंकि वो सेम एक जैसा रोड दिखता है ना, तो नींद आना शुरू हो जाती है, बोरिंग सा फील होता है, तो ब्रेन को भी कंट्रोल करने के लिए ना थोड़े थोड़े चेंजेस उसको देने पड़ते हैं। तो बस वही हुआ, अभी रोड हो गया चेंज, नींद भग गई बहुत दूर। बट अभी क्या है ना, खुद को थोड़ा स्लो चलाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से अपन हाईवे पे चला रहे थे ना, उस रिदम को भी तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप रुक जाओ, या फिर आपकी ब्रेन पर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थी, जो आपको अच्छी लगे तो आप अपने पास रख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो तो आगे चली रही है, आप लोग देखेगा फिर और कुछ अच्छी चीज मिल सकती है आपको। क्यों सर, क्या कहते हैं आप? अभी 30 मिनट और लगेंगे, जाके आप लोगों को दिखाते हैं, और शायद अंधेरा हो जाएगा पहुंचते, तो सुबह आप लोगों को 100% में दिखाने वाला हूँ मस्ती चीज़ एक। और एक और जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, वो ये कि हम लोग जाने वाले हैं इंडिया के सबसे आखिरी गांव में, जो कि है इंडिया का सबसे आखिरी गांव, कैन यू इमेजिन। तो वहाँ पर मैं लेके जाने वाला हूँ इस बाइक को, आर1 बाइक को, तो अलग ही लेवल की खुशी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सोच के लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ें सोच के रखी थी और टाइम से पहले हो गई है। एक्चुअली मैं सोचा था करने के लिए, और मेरे को मौका मिला करने का, मैंने कर दिया, मजा आ रहा है, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। देखो यहां भी और आगे भी हम लोग जा रहे हैं एकदम एंड में। ओए होए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया बहुत मतलब सच में मैंने आपको कुछ अलग ही दिखा दिया होगा आज, शायद ही कोई यूट्यूबर आपको यहां तक लेके आता होगा, शायद ही। मैं और मुस्तफ़ा भाई आपको यहाँ पे लेके आए हैं, मैं और मुस्तफ़ा भाई आपको लेकर आए हैं यहाँ पे, तो उसके लिए लाइक तो बनता है ना। दोनों के चैनल पर जाके आप लोग चेकआउट करो, मज़ेदार होने वाला है। और एक और खुराफात आ रही है मेरे दिमाग में यहाँ पे आने के बाद, भाई साहब लिटरली लोग ये मिस करते हैं, यूट्यूबर्स रामेश्वरम नहीं आते हैं जो K2K करते हैं यार, वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं सच में। अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। देखो ये देखा, ये फिशिंग कर रहे हैं लोग, फिशिंग चल रही है यहाँ पर, फिशिंग। और अभी उन्होंने मेरे सामने एक बहुत बड़ी मछली खींची है, देखो ये करी, देखो ये वाली मछली खींची उन्होंने, गजब ग्रेट। देख रहे हो कितनी बड़ी मछली फंसाई। चलो चल, नाइस एक्सपीरियंस। मुस्तफा भाई मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे पता जब वो वीडियो देखेंगे उनको तभी पता चलेगा ये। तो यार मैं यहाँ पे आया ना उन्हीं की वजह से आया, वो अगर मुझे नहीं बोलते कि चल मेरे साथ, वो तो आने वाले थे, उनका कंफर्म था, उन्होंने मुझे ऑफर किया और मैंने एनी हाउ मैनेज करके मैं भी आ गया, मुझे आ गया मजा। अब शेर गेम हो लग गया खून, मम्मी बोलेंगी देखने के बाद, हाँ बेटा घर पे आ जाए एक बार लौट के, फिर भेजूंगी तुझे दोबारा, आ तो जाए एक बार लौट के। तो जी हम लोग एंटर तो कर गए, और आई थिंक ये रामेश्वरम टेम्पल है, ये है अंदर जाने का रास्ता, अभी तो जाना हम लोगों को आगे होटल के लिए। काफी सारा लगेज अपने पास ये रखेंगे। फाइनली होटल पहुंच गए, वो खड़ी हुई है बाइक अपनी, और ये रहे सर एंट्री करते हुए, दिखाइए। सीधी सीधी